नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। और मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। महिला अपराध का मुद्दा जिस पर सालों सालों से बात होती आई है, लेकिन अफसोस अभी तक महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। हालांकि कुछ राज्यों में महिलाएं अब देर रात तक बाहर रहती हैं बिना किसी डर के, लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं या फिर ये कहें कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर महिलाएं बेखौफ होकर नहीं घूम सकती। और ऐसे में प्रशासन द्वारा या ये कहें कि राज्य सरकार द्वारा तमाम अभियान चलाए जाते हैं। बात अगर देश के सबसे बड़े सूबे की करें, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि महिला अपराध के खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाया जाए। उसके बावजूद भी महिला अपराध बढ़ रहा है, इसका ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बात 2020 की करें, 2019 की करें या उससे पहले की करें, यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसमें बढ़ोतरी होती हुई देखी गई है। अब इससे पहले एंटी रोमियो स्क्वायर चलाया गया था, डायल 112 तो है ही, अब 1090 भी पूरी तरह से तैयार है। हालांकि ये पूरी तरह से डिजिटल होगा और ये इसका जो पूरा जाल है वो बिछाया जाएगा ताकि ऐसे लोगों पर नजर रखी जा सके जो लोग अपने मोबाइल फोन में अश्लील वीडियो देखते हैं, अश्लील कंटेंट देखते हैं। जी हाँ, बचकर रहिएगा। अगर आप अपने मोबाइल फोन में अश्लील कंटेंट देखते हैं तो यूपी पुलिस की नजर आप पर बनी हुई है। वो क्यों? आज इसीलिए इस चर्चा में हम बैठे हैं और जिक्र करेंगे इन सभी पॉइंट्स का कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। मेरी सहयोगी पारुल भी मेरे साथ मौजूद है। पारुल, जिस तरह से ये फैसला लिया गया है कि 1090 से जो भी व्यक्ति या फिर जो भी हम कहें कि जो ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं, जो मंचरे होते हैं, जो छिछोरे होते हैं, जो कि अश्लील कंटेंट देखते हैं उसके बाद अश्लील हरकतें करते हैं या अश्लील मैसेजेस जो हैं वो महिलाओं को भेजते हैं, उन पर नजर रखी जाएगी। लेकिन पारुल, क्या ये भी एंटी रोमियो की तरह फेल होगा या इसके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं? देखिए काजोल, सफल होना या ना होना ये अभी कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी सरकार इस पर काम कर रही है और जब ये आएगा उसके बाद जो है वो तब पता चलेगा कि ये कितना सफल हुआ है कितना नहीं। तो देखिए, जो ये है सरकार का ये कदम बहुत अच्छा है, क्योंकि यूपी की बात करें तो बहुत ही बड़ा राज्य है और अपराध जो है वो लगातार होते ही रहते हैं यूपी में। आए दिन आपराधिक घटनाएं सामने आती है, चाहे वो रेप की घटना हो, किसी की मौत हो या लूटपाट, कैसी भी घटना हो। लेकिन महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो यूपी में महिला सुरक्षा जो है वो कम है, और ऐसे में सरकार ने अगर ऐसा कदम उठाया तो ये काफी अच्छा और सराहनीय कदम है सरकार का। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी एंटी रोमियो स्क्वाड जब आया था उसके बाद काफी लोगों को, काफी मंचलों को पुलिस ने पकड़ा भी था, और एक टाइम था कि उस लोगों के अंदर और स्पेशली यंग जनरेशन यूथ के अंदर जो है वो डर हो गया था कि नहीं, अगर हम किसी को छेड़ देंगे चलते सड़क पर या कुछ कर देंगे तो एंटी रोमियो स्क्वाड, क्योंकि देखिए वो यूनिफॉर्म में तो रहती नहीं है, हमें नहीं पता कि हमारे आसपास कौन है, तो हो सकता है कि एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो आपको पकड़ ले। हालांकि ऐसे बहुत केसेस भी आए थे कि पता नहीं है वो एंटी रोमियो स्क्वाड के टीम है और पकड़ लिया, मोमेंट पे ही पकड़ लिया। तो देखिए, ये बहुत जरूरी है और अच्छा कदम है, और 1090 जो आपने बताया है वो भी बहुत अच्छा है कि अश्लील कंटेंट जो है या अश्लील वीडियो जो लोग देखेंगे उन पे पुलिस की जो है वो लगातार नजर रहेगी, और अगर उसके बाद वो लोग अपराध करते हैं तो उस पे नजर रहेगी। तो काफी अच्छा जो है ये कदम है, क्योंकि देखिए यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, उसमें आपराधिक घटनाएं जो है होती रहती है, और मैं सिर्फ यूपी के लिए नहीं, ये देखिए देश भर में ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं लोगों के अंदर जो है वो डर नहीं होता। रेप की घटना हो जाती है, एक माइंडसेट होता है कि कोई नहीं, थोड़े टाइम बाद क्या पता हम बच भी जाएं, या फिर हो सकता है कि पुलिस पकड़ ले तो सालों साल केस चलता रहेगा, जैसे निर्भया कांड में हुआ था, केस जो है वो कितने साल चला, अब जाके उन लोगों को पिछले साल फांसी हुई। तो लोगों के अंदर जो है वो डर बैठाना जो बहुत जरूरी है, सरकार को सख्त से सख्त कदम जो है वो उठाने चाहिए ताकि लोगों के अंदर डर रहे, वो सोचे कि अगर हमने कुछ ऐसी घटना कर दी तो हमें पुलिस पकड़ लेगी, हमारे ऊपर किसी भी तरह का एक्ट लगा दिया जाएगा या हमें FIR कर दी जाएगी। तो लोगों के अंदर जो है वो डर बनाना बहुत जरूरी है, और सरकार का ये कदम बिल्कुल जाहिर बिल्कुल पारुल, देखिए सरकार तो बेहतरीन कदम उठा ही रही है और प्रशासन भी काम कर रहा है, हालांकि कई बार प्रशासन फेल भी साबित होता है, लेकिन हम पूरी तरीके से फेल बता दें ये कहना भी गलत होगा, लेकिन जरूरी है कि सरकार के साथ, हम इस देश के नागरिक हैं, हम जिस प्रदेश में रहते हैं हम उसके नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में क्या हो रहा है उस पर हमारी नजर रहे।
हमें खुद से भी अपना माइंड सेट करना होगा, अपनी मानसिकता बदलनी होगी, अपने घर से इसकी शुरुआत करनी होगी। चलिए ये बात अलग है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर किस तरह से काम करेगा। दरअसल 1090 एक पूरी तरीके से डिजिटल होगा और ये चौतरफा जो है वो नजर रखेगा। कुछ जिलों में फिलहाल शुरुआत हो रही है, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हो जाएगी। ये किस तरह से काम करेगा? दरअसल अगर आप मोबाइल फोन में कोई अश्लील वीडियो या अश्लील चीजें देख रहे हैं तो आपका जो डाटा है वो पुलिस के पास रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आप इन फ्यूचर कोई अपराध करते हैं तो इससे पुलिस को बहुत आसानी होगी आपको ढूंढने में, आपको पकड़ने में, अपराधियों को पकड़ने में, और जल्द से जल्द इस पर एक्शन होगा, यानी कि तत्परता और तेजी लाने के लिए फैसला लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर कोई या हर किसी पर इस तरह की पाबंदी रहेगी? तो ये इसलिए किया जा रहा है कि अगर आप कोई आपराधिक घटना करते हैं तो पुलिस को ज्यादा देर ना लगे और अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आजकल देखिए पारुल, सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर हम पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो। इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर या ट्विटर पर कई महिलाएं जो हैं अपनी तस्वीरें भी शेयर करती हैं, कुछ वीडियोस भी शेयर करती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी मानसिकता थोड़ी सी अलग होती है, जो मानसिक बिल्कुल जो बीमार होते हैं मानसिक तौर पर, वो अजीब तरीके के कमेंट कर देते हैं, तो वो अब नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप पर एक्शन लेना बेहद जरूरी हो जाएगा और यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रहेगी। बिल्कुल, देखिए काजल, ये सही भी एक तरह से, क्योंकि आजकल लोगों के माइंड में ये हो जाता है, अरे उसने ऐसी फोटो डाल दी अच्छी अपनी, किसी ने कमेंट कर दिया, तो जो आजकल के लड़के हैं, लड़के या फिर आदमी कहे, एक तरह से वो उस चीज को एक गलत तरीके से ले लेते हैं, कि उकसाने वाली चीज की तरह से ले लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि देखिए अगर आपको कोई फोटो पसंद आ रही है, जरूरी नहीं आप भाई उस पे एक अलग या वैसा गलत कमेंट करें, ये जरूरी नहीं है। तो ये जो है 1090 जो इसीलिए है कि अगर आप कुछ ऐसी घटना करते हैं या फिर ऐसा कुछ कमेंट करते हैं, कुछ ऐसा कंटेंट देखते हैं, उसके बाद तो आपका रिकॉर्ड पुलिस तक पुलिस में रहेगा, और उसके बाद अगर आप अपराध करते हैं तो पुलिस पर आप पुलिस की जो है नजर वो आप पर बनी रहेगी। तो देखिए बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल के लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें नेट से देखकर उत्सुकता होती है या नेट से देखकर, क्योंकि देखिए जैसा नेट आज की जनरेशन में इंपॉर्टेंट है वो हार्मफुल भी है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए। अगर वो हमें नीड है हमारी, इंटरनेट से हमें बहुत यूज होते हैं, तो उसके जो है उसके गलत फायदे भी होते हैं, क्योंकि आजकल लोग हैं नेट पे देखिए हर तरह की चीजें होती हैं, तो सभी जानते हैं, कोई उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है, कोई गलत तरीके से करता है। तो ये होना जो है वो बंद होना चाहिए, और इसीलिए ये 1090 जो है बहुत अच्छी चीज है जो सरकार स्कीम लेके आई है, और इससे उन लोगों पर लगाम लगेगी, उन लोगों पर जो है वो रोक लगेगी जो ऐसे घिनौने कमेंट करते हैं लड़कियों की फोटो पर या किसी की भी फोटो पर। तो एक सरकार का जो है ये बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल, और अच्छी पहल है भी, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से काम करेगी और इसका असर कितना ज़्यादा पड़ता है। हालांकि फिलहाल अगर मिशन शक्ति की हम बात करें तो मिशन शक्ति अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश में लागू है। हाथरस मामले के बाद से ही अभियान शुरू हो गया था, ताकि महिलाओं के प्रति जो अपराध पड़ रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सके। देखिए अपराध को जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा ऐसा कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन उस पर रोकथाम अगर लगाई जाए तो वाकई इसे कम किया जा सकता है। मानसिकता बदलनी बेहद ज़रूरी है, मानसिकता बदलेगी तभी देश में जो या फिर हम प्रदेश में जो अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ वो कम हो सकते हैं। आजकल जो महिलाएं हैं वो ऑफिस जाती हैं, कुछ घर का काम भी करती हैं, कुछ इतनी एम्बिशियस होती हैं कि वो बहुत आगे निकल जाती हैं, दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कई बार इस चीज़ का फ़ायदा जो है कुछ लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं वो उठा लेते हैं, और जिसकी वजह से इसका नतीजा जो है उन महिलाओं को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में ये जो फैसला लिया गया है 1090 का, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आप कभी भी, कोई भी महिला है, कभी भी किसी भी वक्त आपको ज़रूरत हो आप इस पर डायल कर सकती हैं या फिर मैसेज कर सकती हैं, अपना वॉइस मैसेज छोड़ सकती हैं, आप ईमेल कर सकती हैं अलग तरीके से। ईमेल आईडी भी अभी जारी की जाएगी, खैर अभी तो नहीं जारी की गई है लेकिन जारी जल्द ही कर दी जाएगी ऐसा कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से। लेकिन आज इसका शंखनाद जरूर हो गया है, कॉल करके आप अपनी तकलीफ बता सकती हैं, इस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। पारुल, ये बेहद अच्छी बात है, क्योंकि हम भी महिला हैं और हम भी नौकरी करते हैं और इतनी दूर फिर घर जाते हैं, ट्रैवलिंग में कई तरह की दिक्कतों का सामना हमें भी करना पड़ता है, पब्लिक कन्वेंस जब हम यूज़ करते हैं या कहीं हम वॉक कर रहे होते हैं, तो ऐसे में
अगर एक हेल्प हमें मिल जाए, एक ऐसा नंबर मिल जाए जिसे हम तुरंत कॉल करके हमारे पास हेल्प आ सकती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन तत्परता उतनी तेजी के साथ होनी चाहिए जितनी हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तत्परता कितनी होगी ये तो समय के साथ ही पता चलेगा, क्योंकि अब ये शुरू हुआ है, धीरे धीरे किस तरह से काम करेगी, क्या तेजी टीम की जो है वो रहेगी, कितनी जल्दी रिस्पॉन्स जो है वो लड़कियों को मिलेगा, ये तो धीरे धीरे टाइम के साथ पता चलेगा। लेकिन जो है ये बहुत ही एक जरूरी और एक अच्छा, देखिए तमाम स्कीम जो है वो सरकार लाती है, क्योंकि यूपी में महिला सुरक्षित तो है नहीं, यूपी नहीं बल्कि देश भर में जो है आपराधिक घटनाएं वो घटती रहती हैं। अगर रात के समय में लड़की लेट घर से निकल रही है तो कहा जाता है कि अरे ये तो खुद ही लेट निकल रही है तो सुरक्षित कैसे होगी, लेकिन देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मानसिकता जो है हमें बदलनी पड़ेगी और वो मानसिकता हमें हमारे घर के अंदर से ही बदलनी होगी। हम क्यों ना ऐसा, देखिए सरकार ये स्कीम ला रही है ये अच्छी बात है कि सरकार अपनी तरफ से महिला सुरक्षा के लिए तमाम कदम उठा रही है, लेकिन हमें खुद से भी तो कुछ कदम उठाने चाहिए क्यों काजोल, और खुद से हमें ये समझना चाहिए और अपने आसपास जो लोग हैं हमारे ऑफिस में या फिर हमारे घर में आस पड़ोस में जो भी लोग हैं उन्हें हमें समझाना चाहिए कि भाई आप लोग ऐसे मानसिकता को जो है वो बदलें और ये मानसिकता ना लेके चलें कि अगर महिलाएं जो हैं वो लेट घर से निकल रही हैं तो वो सुरक्षित खुद ही नहीं है। अगर आप साथ की काम करने वाली महिला को सुरक्षित रखेंगे तो वो क्यों नहीं सुरक्षित महसूस करेगी, लेकिन अगर आप उसके साथ ही कुछ ऐसा करेंगे तो वो ऑफिस में ही या रास्ते में कहीं भी होगी वो असुरक्षित जो है वो महसूस करेगी ही करेगी। तो सबसे पहले सरकार के ये कदम बहुत सराहनीय बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें खुद से भी जो है वो कदम उठाने पड़ेंगे और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए देश जो है वो धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी है वो बढ़ रही है और उसके यूज भी होते हैं मिसयूज भी होते हैं, लेकिन उसके बाद जब महिला सुरक्षा की बात आती है वो कहीं नहीं नजर आती। सरकार तो कदम उठाती है लेकिन उसके बाद भी जो आम लोग हैं, आम जनता है, हम ही लोग हैं, वो प्रशासन का भी जो ढिलमुल रवैया है वो देखने के लिए मिलता है। देखिए कई बार हमने देखा है कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर किसी महिला के साथ यौन शोषण हुआ है या फिर वो प्रताड़ित की जा रही है तो कई बार वो इज्जत की डर से, परिवार की इज्जत की डर से, या उस पर दोबारा से कोई हमला ना हो इस डर से अपनी बात को रख नहीं पाती है। तो ऐसे में जरूरी है कि महिलाओं के अंदर भी वो जागरूकता लानी चाहिए कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ें, आप आवाज उठाएं, आप आवाज उठाएंगी तभी तो आपको इंसाफ मिलेगा, आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आपको इंसाफ कैसे मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो इकट्ठा की जा रही है ताकि एक अच्छा माहौल, एक सुरक्षित माहौल जो है महिलाओं को दिया जा सके। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है और हमने देखा भी है कि कुछ जगहों पर महिलाएं ये भी कहती हैं कि अब हमें डर नहीं लगता है, हम अपने इलाके में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन हम बात उन इलाकों की नहीं कर रहे हैं, उन अर्बन एरियाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रूरल एरियाज की बात, जहां आज भी महिला देर रात क्या पारुल, अगर मैं बात करूं 7 बजे के बाद भी निकलने से डरती हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसे में वो मन चले ये सोच रहे हैं कि उन्हें बख्श दिया जाएगा या वो बच जाएंगे, तो 1090 की नजरों से आप बचने वाले नहीं है। बिल्कुल पारुल, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने काजोल के वो बचेंगे नहीं, और क्योंकि सरकार जो है वो लगातार कदम उठा रही है, लेकिन बेहद ज़रूरी है काजोल जैसा आपने ही कहा कि महिला कई बार कर देती हैं कि हमारी फैमिली की बात है या हमारी बदनामी हो जाएगी अगर हम इसके ऐसी चीज़ को बाहर निकालेंगे या बताएंगे, लेकिन देखिए बेहद ज़रूरी है अगर आपके साथ कोई घटना ऐसी घट रही है तो आपको ज़रूर उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लेना चाहिए ताकि आपको इंसाफ मिल सके, क्योंकि अगर आप इंसाफ के लिए नहीं लड़ेंगी तो हो सकता है वो मनचला उस हरकत को दोबारा दोहराए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो डर ही नहीं होगा कि आपने तो कोई एक्शन लिया नहीं। और वो देखिए यही मैं पहले भी बोल रही थी कि एक्शन लेना बहुत जरूरी है और सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जो डर है वो बनना चाहिए। आज के टाइम में लोगों के अंदर डर ही नहीं है, लड़कों के अंदर स्पेशली यूथ के अंदर, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम ऐसी छोटी मोटी घटना कर देंगे उसके बाद सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। कई बार तो लड़कियां ही नहीं एक्शन लेती हैं, क्यों? क्योंकि भाई घर की बदनामी हो जाएगी, या फिर कई बार ऐसा लगता है कि अगर हमने ऐसी बात निकाल दी खोल दी घर की बदनामी होगी, आगे हमारी शादी होने में दिक्कत होगी। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, यही मानसिकता हमें बदलनी है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसको उसके लिए लड़ना चाहिए, इंसाफ की मांग करनी चाहिए, तभी तो हमारी मानसिकता बढ़ेगी और जो लड़के हैं, जो यूथ है या आदमी कोई भी है,
पुरुष है उनके लिए हमें खड़े होना चाहिए, उनके अगेंस्ट खड़े होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि तभी देश का विकास हो पाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रधानमंत्री नारा देते हैं, तो तभी बेटी बचेंगी तभी बेटी पढ़ेंगी जब हम अपनी मानसिकता बदलेंगे, जब हम कड़े कदम उठाएंगे, एक्शन माहौल मिल पाएगा और सुरक्षित हो पाएंगी। देखिए एंटी रोमियो स्क्वेड भी आपके पास है, 1090 भी आपके पास है, इसके साथ साथ आपके पास डायल 112 भी है। यूपी पुलिस आपके लिए तत्पर है और आप अपनी अगर कंप्लेन लिखाती हैं या आप कॉल करती हैं तो तुरंत आपको हेल्प मिलेगी। जरूरत है आपको आगे आने की, आपके प्रति जो भी अपराधी है आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, या कोई मंजिला आप पे कमेंट कर रहा है या आपका रास्ता रोक रहा है, तो उस पर आप तुरंत कॉल करिए इन नंबर्स पर और तुरंत आपके पास हेल्प जाएगी। लेकिन आपको आगे बढ़कर आना होगा, अपनी आवाज़ उठानी होगी। तो याद रखिएगा 1090 इस पर इसकी जो नज़र है वो उन लोगों पर है जो ऐसी प्रवृत्ति के हैं। तो महिलाएं अब सुरक्षित रहेंगी ऐसी उम्मीद हमें है और महिलाएं डरे नहीं, डटकर हर मुसीबत का सामना करें। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वाले दिया।